हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यदि कॉफ़ी के लवर हैं तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक खुशखबरी। दोस्तों, चाय कॉफ़ी के तो सभी दीवाने होते हैं, लेकिन यदि आप मेरे बताए गए तरीके से कॉफ़ी बनाकर पियोगे तो आपका बार बार कॉफ़ी पीने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉफ़ी बनाने का मेरे इस बेहतरीन ट्रिक के साथ। कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी। जितनी आप कॉफ़ी बना रहे हों उसी के हिसाब से चीनी डालें। तो मैं यहाँ पे 1 कप कॉफ़ी बना रही हूँ तो सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली है, या फिर आप मीठी कम या ज़्यादा पीते हो उसी के हिसाब से चीनी डालें। अब चीनी को हमें मेल्ट करना है और इसे हिलाते रहना है, नीचे ये चिपकनी नहीं चाहिए। अगर ये चीनी नीचे चिपक जाएगी तो कॉफ़ी कड़वी बनेगी। बस इतना ही हमें इसको मेल्ट करना है। अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है क्योंकि हम सिर्फ 1 कप ही कॉफ़ी बना रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अब 1 से 2 मिनट तक दूध और पानी को चीनी के साथ ही पकाना है। तो जब हम दूध को डालेंगे तो चीनी गाढ़ी हो जाती है, यानी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसे हिलाते रहेंगे और फिर से हम चीनी को इसी के अंदर मेल्ट करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच से भी कम, जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 1/2 चम्मच से भी कम हमने कॉफ़ी डाली है। इससे भी ये कॉफ़ी बहुत ही हार्ड बनकर तैयार होगी और इसका कलर तो इतना बढ़िया आएगा। तो अब हमने इसमें कॉफ़ी डाल दी है और कॉफ़ी को भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में एक बार आप इस तरीके से कॉफ़ी बनाकर ज़रूर पीजिए, यकीन माने फ्रेंड्स आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे कॉफ़ी का स्वाद और भी बढ़ चढ़ कर आए। तो यहाँ पे हमने 1 इलायची ली है। 1 कप कॉफ़ी में सिर्फ 1 इलायची काफ़ी होती है। इसको हमने दरदरा कूट लिया था, इसे डाल देंगे कॉफ़ी के अंदर और 1 मिनट के लिए इसे भी हम पकाएंगे। 1 इलायची से कॉफ़ी का टेस्ट इतना बढ़िया आएगा, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। 1 मिनट बाद हम इलायची को निकाल लेंगे क्योंकि 1 मिनट तक हमने कॉफ़ी के अंदर इसे पकाया है, तो इसका सारा फ्लेवर कॉफ़ी के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो बस अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे कप में डाल देंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, बारिश के इस मौसम में आप इस तरीके से कॉफ़ी बनाकर इंजॉय कीजिए। और देखा फ्रेंड्स, कितनी कम हमने कॉफ़ी डाली थी उसके बावजूद भी इसका कलर कितना बढ़िया डार्क आया है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कॉफ़ी कैसी बनी है।